हाई कोर्ट का टेस्ट पेपर कर रहे थे जो 2016 में हुआ था, हाई कोर्ट क्लर्क 8 फरवरी को ये कंडक्ट कराया गया था। तो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में अपने 70 क्वेश्चंस देख लिए थे, तो हम बाकी के 70 क्वेश्चन आज इस वीडियो में करेंगे। तो इसमें 71 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। तो इसमें मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस एक्चुअली इस टेस्ट पेपर में। इजी तो बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे जो इजी हों, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये है गोंड जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे रफीक जकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो ये हुआ था कोलकाता अधिवेशन 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? ये कराया रुद्रदामन प्रथम ने। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। नेक्स्ट इज, वर्ष 2015 में क्रिकेट विश्व कप आयोजित हुआ। देखिए इसका कोई लॉजिक नहीं है, 2015 तो कब का चला गया है, तो अब 21 यहाँ पे चल रहा है अभी ईयर हमारा, तो आपको 23 का विश्व कप पता होना चाहिए, ये हमारे इंडिया में ही होना है। तो ये आपका इसमें इम्पोर्टेंट है, ये आपको प्रीवियस वाला नहीं पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो यह है बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे बीएन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से, वैसे मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, आप इसे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वित्त आयोग तो आपका फाइनेंस कमीशन तो आर्टिकल 280 में आता है ना, तो एक बार इसे चेक कर लीजिएगा, आई थिंक तो ऑप्शन डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? यह है आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम वनाच्छादित है? यह है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सेतु शुरू होता है, यह होता है धनुषकोडी से। ये थोड़ा सा ये मैप में देखेंगे, जैसे ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे जैसे श्रीलंका है, ठीक है, तो यहां से एक राम सेतु का निर्माण किया गया, तो यहाँ पे जहां से स्टार्ट होता है वो पॉइंट धनुषकोडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश यानी कि टॉपेस्ट कंट्री कौन सा है? वह है ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना अनुसार महिला साक्षरता अधिकतम है? यह है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? यह है अवतल दर्पण। नेक्स्ट, ध्वनि का मात्रक कौन सा है? डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर है क्लोरीन। यानी कि कई बार आप घर में पानी पीते हैं तो पानी में अजीब सी स्मेल आती है ना, तो गवर्नमेंट की साइड से पानी को क्लीन करने के लिए क्लोरीन उसमें डाला जाता है, इसलिए वो कई बार होता है ऐसा। तो ये पानी की शुद्धता के लिए बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है, ये कहलाता है नक्षत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय सी केलकर। अब तो 14वां भी बन गया, 14वें के भी देख लीजिएगा। हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की। चरक संहिता जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है किससे रिलेटेड है? ये मेडिसिन यानी चिकित्सा से रिलेटेड है,
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे पुराना पुराण है? तो सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1757, ये था 23rd of June 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 का नोबेल प्राइज किसे दिया गया? ये कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को दिया गया है, नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, वैसे तो ये एवरी ईयर के इम्पोर्टेंट होते हैं, एवरी ईयर किस ना किसी को मिलता है, आपको पढ़ना होता है, बट ये 14 का तो हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा, बिकॉज ये कैलाश सत्यार्थी है, इंडिया के हैं। ठीक है, इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया है, एमपी के विदिशा में यहाँ पे इन्होंने बहुत काम किया बच्चों के लिए, तो ये इंडियन को मिला, इसलिए तो आपका ऑलवेज इम्पोर्टेंट रहेगा। 2014 में नोबेल पीस प्राइज किसको मिला था? कैलाश सत्यार्थी को। किसके साथ मिला था? मलाला यूसुफजई को भी इनके साथ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें टॉप के जो थ्री हैं, तीनों तो आपके सही सुमेलित हैं, ये फोर्थ वाला आपका रॉन्ग है। तो बोलीविया में टिन मिलता है बहुत, ब्राजील लोहा इसके लिए फेमस है, और मेक्सिको चांदी के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो उन्हें अपना इस्तीफा पत्र संबोधित करना चाहिए। इसमें यानी कि ये पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति जब अपना इस्तीफा देंगे तो अपना इस्तीफा वो किसे देंगे? वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देंगे? वो देंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सीट आरक्षित नहीं होती है, किसके लिए? कोई सीट आरक्षित नहीं है लोकसभा में, एससी के लिए होती है, एसटी के लिए भी होती है, और एंग्लो इंडियंस के लिए भी होती है। तो बचा क्या? असम के स्वशासित जिलों के अनुसूचित जनजाति, इनके लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत भारत के संविधान में आधारित है, यह विधि के शासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अवधि होती है 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र अपनाया गया था 10th of December 1948 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 क्वेश्चन, 19वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आरंभ हुआ? देखिए, अब इसका प्रेजेंटली कोई लॉजिक नहीं है, आपको 2020 का देखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65 वर्ष पुराना योजना आयोग को परिवर्तित कर नया नाम दिया गया है, ये दिया गया है नीति आयोग, ये 2015 में बना था 1st of January 2015, और ये पेपर 16 का है, तो इसलिए 15 का करंट अफेयर्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 per km², यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में 382 लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य के सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? यह है संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विषय किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं है उस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसको है? यह है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने सदस्य लोकसभा के लिए केंद्र शासित प्रदेश से चुने जा सकते हैं? ये चुने जा सकते हैं 20। नेक्स्ट इज, लोकसभा का सदस्य अपने पद को धारण करता है 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट इज, चांदपुर गढ़ी कहाँ है? यह है चमोली में। ये उत्तराखंड का क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये IVRI है, मुक्तेश्वर में, इसे IVRI बोलते हैं, IVRI, इंडियन वेटनरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, कुमाऊं की चित्रकला के लेखक हैं डॉक्टर यशोधर मठपाल। नेक्स्ट इज, डॉक्टर RS टोलिया ने कौन सी किताब लिखी है इन चारों में से? तो ये लिखी RS टोलिया ने ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ऐसी ये कुमाऊं की चित्रकला डॉक्टर यशोधर मठपाल की लिखी हुई बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में ओबीसी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये इसमें ओबीसी के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन 2015 को नरेंद्र मोदी ने कब संबोधित किया था? ये किया था 11th ऑफ जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान में प्राप्त है? तो इसका आंसर है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये महाभियोग चलाया जा सकता है 61 आर्टिकल 61 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, ये है संविधान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद जो संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत है, वह सर्वप्रथम गठन किया गया था? इसका आंसर है 1990 को। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में निम्न में से किसके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है? यह है बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124th क्वेश्चन इज, किसी राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राज्य का गवर्नर यानी कि राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम फिल्म 2012 का ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को मिला? देखिए 2012 का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, करंट आपको 2020 का पढ़ना है या 21 का पढ़ना है, ये दोनों ही पढ़ने हैं आपको किसी भी टेस्ट पेपर के लिए, ठीक है। इससे पुराना पढ़ने की कोई खास जरूरत है नहीं, लेकिन अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट दिखे तो 2019 का देख लीजिएगा, वैसे तो ये दोनों काफी हैं आपके लिए, क्योंकि 21 भी आधा निकल चुका है, 1.5 साल का करंट अफेयर आपके हर एग्जाम के लिए इनफ है, तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किन नदियों को सास बहु के नाम से जाना जाता है? ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है, ये अलकनंदा और भागीरथी को सास बहु कहा जाता है। उत्तराखंड में भूमि मापन में कौन सा मात्रक प्रयोग में लाया जाता है? नाली और मुट्ठी दोनों, इन दोनों के द्वारा ही उत्तराखंड में भूमि मापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? ये आर्टिकल 17। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी प्रावधान भारतीय संविधान में लाया गया? 52 वा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्य जिसका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था, ये हुआ था आंध्र प्रदेश का 1953 में, ठीक है। आपने नाम सुना होगा पोटी श्री रामुलुलू का, ठीक है। उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के लिए भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी थी, और उसके बाद फिर एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन जब तक कमेटी के डिसीजन आते तब तक उनकी भूख हड़ताल के उसमें उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बहुत था, इसलिए आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने 1956 में इस चीज को अप्रूव किया, उसके बाद ही अदर स्टेट्स का निर्माण इसके बेसिस पे हुआ था, भाषा के आधार पे। बाद में तो फिर बहुत सारे राज्य बने, ठीक है, तो लेकिन पहला जो बना था 53 में आंध्र प्रदेश का, उसके बाद ही कमेटी बनी, उसके बाद ही और सब चीजें आगे की हुई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICPL 87 किसकी किस्म है? अरहर की किस्म है, ठीक है। नेक्स्ट है, तिलहन का संबंध किससे है? तिलहन होता है आपका येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति से रिलेटेड, ठीक है। तो ये बाकी की देख लेते हैं, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये गेहूं से रिलेटेड है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से रिलेटेड है, और जो व्हाइट रिवॉल्यूशन सफेद क्रांति है दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है, और येलो तिलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल इस टाइम तो कौन है? बेबी रानी मौर्य, ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन, आप करंट का लर्न करेंगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का एक क्वेश्चन है, चौफुल्ला क्या है? ये एक नृत्य है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गोचर मेला कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, ये गोचर मेला प्रारंभ हुआ था आपका 1943 को, ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सब रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीलू रौतेले की मूर्ति को कहां पर स्थापित किया गया है?
यानी कि तिलो तिली जो उत्तराखंड में है ना, ये तो उत्तराखंड में कौन सी ऐसी लोकेशन है जहां पर तिलो और तिली जी की मूर्ति को स्टैब्लिश किया गया है? ये किया गया है बीदोखाल में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात न्यूनतम है? ठीक है, न्यूनतम जो है सेक्स रेशियो यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में है, वो हमारे देश भारत में है, हरियाणा में। ठीक है, अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट की बात आएगी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है किसमें कम है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे पूछ रहा है इंडिया में किस स्टेट में सबसे कम है, तो ये है सबसे कम हरियाणा में। ठीक है, तो आप इसमें सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पे है ऑल ओवर इंडिया में? ये केरल में है। ठीक है, मिनिमम हरियाणा, मैक्सिमम केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई इंडियंस आईपीएल टीम का 27 जनवरी को मुख्य परामर्शदाता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है, प्रेजेंटली इस क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट पेपर इज, किस खेल से योगेश्वर दत्त जुड़े हैं? ये जुड़े हैं कुश्ती से। ओके, तो हमारा हाई कोर्ट क्लर्क का पूरा टेस्ट पेपर मैंने आपको कराया। आप इस पेपर को पूरा अपना फोकस होके अच्छे से 2-3 बार पढ़िएगा, क्योंकि ये इतना इजी नहीं था, मॉडरेट था, मॉडरेट टू टफ है क्वेश्चन पेपर। फर्दर के क्वेश्चंस पेपर जो आप देंगे, पेपर्स देंगे, उनमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से। ठीक है, तो आपको हर एक क्वेश्चन पे फोकस करना है, उसका एनालिसिस करना है, जो करंट के क्वेश्चन है उनके आपको आंसर्स देखने हैं, उस हिसाब से आपको उसी बेसिस पे अपना करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। तो आप इसी मतलब हमारी सीरीज, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसी सीरीज मैं आपको प्रोवाइड कराती रहूंगी क्वेश्चन पेपर्स की। साथ में हमारा क्लास 10th चल रहा है, क्लास 10th का मैथमेटिक्स, ठीक है, आप उसे भी देखिए जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है। ओके, थैंक यू।